हेलो, गुड इवनिंग. माय नेम इज़ रितु रतेवाल एंड यू आर विद अन अकेडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो. आपका स्वागत है सच का सामना में. आई होप बच्चों तुम्हें सुबह मैसेज मिल गया होगा कि आज हमारा होल सिलेबस टेस्ट है और आई होप तुमने दो चार चैप्टर कवर कर लिए होंगे टेस्ट के लिए. चलो शुरू करते हैं. आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो सकते हैं. ओके, मैंने लाइट सारी जला दी. ओके, नाउ आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो सकते हैं. टेलीग्राम पे कनेक्टेड होने का फ़ायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, मेरी या किसी भी और टीचर की जो इस चैनल पे पढ़ा रहा है. ठीक है, साथ में जितना ये टेस्ट होगा सच का सामना जितने भी हो रहे हैं वहाँ पर मैं उनकी PDF डालूंगी, तो आपको PDF बाकायदा वहाँ पर मिलती रहेगी. तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम पर ज्वाइन कैसे करना है, आपको डाउनलोड करना है, ये लिंक डालना है, नीट प्लेसिबो डाल के आप वहाँ पर हमें मतलब ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाएंगे. देन यू कैन जॉइन अस ऑन प्लस. सो प्लस इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको नीट के तरफ धक्का मारता है. ठीक है, ये आपका कॉलेज है और ये आपका रास्ता है, तो बेसिकली अनअकैडमी प्लस आपको पुश करता है नीट के कॉलेज की तरफ. यहाँ पर इंडिया के 40 बेहतरीन एजुकेटर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करा रहे हैं नीट की क्लासेस. वो जी जान लगा रहे हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले बेसिक कोर्स कंप्लीट कराने में, फिर वो अपने अपने क्रैश कोर्सेज चला रहे हैं, फिर वो अपने अपने जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं. सो एवरी टीचर इज़ टीचिंग एट अ डिफरेंट पेस, एवरी टीचर इज़ टीचिंग इन अ डिफरेंट स्टाइल. तो आपको जो पेस चाहिए, आपको जो स्टाइल चाहिए, आपको जो क्लास चाहिए, वो आप किसी भी टीचर को फॉलो करके पा सकते हैं. ठीक है, अनअकैडमी प्लस का एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है और वो सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं. तो आप इमेजिन करिए, आपको कुछ भी पढ़ना हो, आपको कभी भी पढ़ना हो, यू कैन जस्ट ओपन एक अपना ओपन किया अनअकैडमी प्लस एंड यू कैन लर्न जस्ट अबाउट एनीथिंग. इन्हीं टीचर्स में से एक मैं हूँ, तो मैं अपना पूरा सिलेबस तो वहाँ पे पढ़ाती ही हूँ. जो बच्चों को ऑलरेडी पता है मैं इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ आजकल, इकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे कल को. मैं लास्ट चैप्टर करा चुकी हूँ इकोलॉजी का और अभी इकोसिस्टम वाला चैप्टर कर रहे हैं, मतलब सेकेंड और फोर्थ हम ख़त्म कर देंगे, तो फर्स्ट और थर्ड रह जाएगा. यदि तुम इकोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इकोलॉजी तुम लोगों को पता है और मुझे भी पता है कि तुम्हें या तो बोरिंग लगती है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है, इसको लर्न कैसे करें, तो मैं तुम्हें लर्न करा रही हूँ इकोलॉजी क्लास में. जो बच्चे मेरा लाइव क्लास नहीं लगा पाए उनको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा लगाया हुआ, प्लस साथ में मैं एक क्रैश कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो क्रैश कोर्स में ये सभी चीज़ दोबारा से रिवाइज़ होगी. तो आप अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्रैश कोर्स में ये सब कुछ लाइव दोबारा से भी पढ़ने को मिल जाएगा. आनंद मनी सर के साथ एक और कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराऊंगी बच्चों को. ठीक है, जो प्लस टू वाले बच्चे हैं स्पेशली सिर्फ बोर्ड्स के चैप्टर, जब तक मार्च मिड नहीं आ जाता उसके बाद उस बैच को आगे कंटिन्यू करेंगे प्लस वन पढ़ाने के लिए. देन एक और बैच लॉन्च करेंगे हम लोग जिसमें आनंद मनी सर और मैं, जिसमें हम बहुत ही स्पीड से एक बार फर्राटेदार रिवीजन कर देंगे कि एक महीने के अंदर अपना पूरा बायोलॉजी रिवाइज एक बार. ठीक है, पर उसका फ़ायदा तब होगा जब तुम ये स्लो वाला थोड़ा क्रैश कोर्स लगाओगे, है ना. एकदम से आप 30 डेज में रिवाइज नहीं कर सकते, आपको पहले 3-4 महीने रिवाइज करना होगा, फिर आप लास्ट के 30 डेज में दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. अनअकैडमी प्लस का एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है सभी टीचर्स के लिए, सब अलग अलग नहीं लेना है किसी टीचर के लिए, और किसी सब्जेक्ट के लिए भी अलग नहीं लेना है. तो वो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है सुनो, प्ले स्टोर पे जाओ, ये ऐप डाउनलोड कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उसको इंस्टॉल कर लो. ऐप खुलेगी, सबसे नीचे जाओ, यहाँ पे प्लस का आइकन होगा, इस पर क्लिक कर दो, फिर बड़े सारे आइकन्स खुलेंगे. आप नीट नीट एंड एम्स के आइकन पे आप टच करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे. वो आपसे पूछेगा भैया कितने समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हो. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है अनअकैडमी पे, सिर्फ एक साल का कोर्स नहीं है, आप एक महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो, 3 महीने का भी कर सकते हो, 6 महीने का भी कर सकते हो. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. अभी जो बच्चा नीट देगा 2020 में वो 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेगा, जो अभी 2021 में देना चाहता है, एक साल पूरा है, वो एक साल वाला सब्सक्रिप्शन लेगा. जो भी 2022 में देना चाहता है, जिसके पास 2 साल है पूरा पढ़ने के लिए, लक्की बच्चे, वो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे. यदि तुम 2 साल मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, मतलब 2 साल में तो मैं तुम्हें ऐसे बना दूंगी बायोलॉजी के बादशाह होते हैं ना, बेताज बादशाह, वैसा बना दूंगी तुम्हें. क्योंकि हर साल के साथ टीचर की भी तो टीचिंग स्किल इम्प्रूव होती है ना बच्चों के, तो जो भी बच्चों को आता है मुझे लगता है वो टीचर का ही रिफ्लेक्शन है. तो मेरी भी तो धीरे धीरे टीचिंग स्किल और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है ना. सो अब जो बच्चा मेरे पास आ गया 2 साल के लिए, उसको तो मैं ऐसे बना दूंगी हवाई जहाज ऐसे बायोलॉजी का. ठीक है,
अच्छा, तो जो भी तुम्हें कोर्स लेना है, मान लो आपको 3 मंथ्स वाला कोर्स लेना है, तो आप 15,000 रुपीज़ पे करोगे। यदि आपको 1 साल का कोर्स लेना है तो आप 30,000 रुपीज़ पे करोगे। यदि आपको 2 साल का कोर्स लेना है तो फीस है 48,000 रुपीज़। अभी इस फीस को और कम करने के तरीके क्या हैं? आप 10% तक और कम कर सकते हो इस फीस को एक कोड डाल के। कोड कैसे इंसर्ट करना है, क्या कोड है, बात सुन लीजिए। किसी भी रेलिवेंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, मान लो आपने 1 ईयर वाला क्लिक किया, तो फीस इसकी देखो 30,000 दिखा रहा है। यू डोंट हैव टू पे दैट। आप ऊपर जाओ, यहाँ पे खाली स्पेस है, इसमें मेरा कोड डाल दो। कोड क्या है? मेरा नाम रितु लाइव। रितु लाइव मेरा नाम नहीं है लेकिन रितु है। सो रितु की लाइव क्लासेस, रितु लाइव आप कोड डालोगे तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी फीस का। 30,000 का 27,000। साथ में तुम मेरी क्लास से कनेक्ट हो जाओगे, प्लस तुम्हें मेरे PDF नोट्स मिलेंगे। एक बार तुम मेरी क्लास से कनेक्ट हो गए, फिर देखो मैं तुम्हारी बायोलॉजी में क्या 4 चांद लगाती हूँ, ठीक है? वो तो तुम लोग YouTube पे देख ही रहे हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्विज बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है 1,00,000 रुपए के लिए। आई होप आपको बहुत ही इजिली विजिबल है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन मिल गया है। हाँ जी, श्री वी का 1 आंसर है, दिशा का सी आंसर है, एहतशाम का 1 आंसर है, अल्फाज का 1 है, रघुराम का 1 है। हाँ जी हाँ जी, प्रियांशु का 3 है। 1 और 3 में इतनी दिक्कत क्या हो रही है? आओ चेक करते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है और किसको स्टिमुलेट करता है? सिक्रेटिन हार्मोन बेटा जी डुओडेनम से रिलीज होता है, यदि तुम लोगों को याद हो तो। डुओडेनम है ना, यहाँ से सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है और सीक्रेटली कहाँ जाता है? पैंक्रियाज के अंदर। और ये ना बेचारा ज़्यादा ब्योमेक्स बख्शी बनने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत टैलेंटेड, छुप छुप के सीक्रेटली जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो सीक्रेटली जाके कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाता। सो इट इज़ एबल टू रिलीज ओनली वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द पैंक्रियाज। ड्यूडेनम से निकल के पैंक्रियाज पे एक्ट करता है। आंसर 1 बन गया। ये कौन कर रहा है? स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो तो गैस्ट्रिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो सुपर फास्ट क्विज बेटों बच्चों। अल्लाह की कसम मेरी क्लास 4 बजे लाइव होती है और 6 बजे लाइव होती है प्यारे बच्चों। 2, हाँ जी रघुराम सही है, लक्ष्मी गुप्ता जी गलत हो गया, अर्पित भारद्वाज का सही है, सुरिंदर का सही है, एहतशाम का सही है, अरे बच्चों अंकित का सही है, हाँ जी हर्षित का सही है, श्रीदेवी का अभी सही है। DDT हैज बीन अ मेजर पॉल्यूटेंट। DDT इतना खतरनाक क्यों है? इसलिए है बेटा क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लिपिड सॉल्यूबल होता है, तो लिपिड में जाके चिपक जाता है और उसकी बायो मैग्निफिकेशन हो जाती है। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? हर ट्रॉफिक लेवल पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है जी, इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 3, क्विक क्विक क्विक, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी सप्लाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज थ्रू, ये देखते हैं किसका सही होता है। आओ देखें बच्चों, जल्दी आंसर दो। फ्यूचर डॉक्टर गलत, मंजुश्री गलत, आदित्य का सही है, रघुराम का गलत हो गया, ये अंकित का गलत हो गया, दिशा का गलत, लक्ष्य का गलत, मनमीत सिंह का गलत, पल्लवी का सही है, सुरिंदर का गलत, एलिना का सही है, श्रीदेवी का गलत, राजू कुमार का गलत, अंकिता का गलत। वाह वाह बेटा क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं तुम्हें ऐसे प्रेशराइज करती हूँ कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो तुम गलत कर देते हो क्या मेरे प्रेशर में आके? वही तो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि प्रेशर में गलत नहीं करना। इधर देखो भैया, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से निकलती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे निकलती है? जब यहाँ पे एसिटाइल को ए TCA साइकिल में चल जाता है, TCA साइकिल में चलता है, और फिर TCA का प्रोडक्ट जो है NADPH वगैरह जो है वो ATC में चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ शुगर्स। ब्रेकिंग ऑफ शुगर्स आंसर नहीं है क्योंकि आप शुगर को ब्रेक नहीं कर रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया में।
ग्लूकोज शुगर है लेकिन उसकी ब्रेकडाउन तो साइटोप्लाज्म में हो रही है. एसिटाइल को ए इज नॉट अ शुगर. तो माइटोकॉन्ड्रिया में शुगर की ब्रेकडाउन नहीं होती है, एसिटाइल को ए की ब्रेकडाउन होती है, या कोई भी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है, टीसी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है. तो ये गलत हो गया. रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, प्यारे रघुराम एनएडीपी की रिडक्शन नहीं की हमने, एनएडीएच की रिडक्शन करी है. थोड़ा सा गलत हो गया, एनएडीएच की रिडक्शन करते हैं ना, गलत हो गया. ऑक्सीडाइजिंग टीसीए सबस्ट्रेट, टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स इसका क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम है. सो जो भी टीसीए का सब्सट्रेट है उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालते हो तुम. ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, पहले प्रोटीन ग्लाइकोलिसिस का पार्ट बनते हैं, ठीक है. सो आंसर ऑक्सीडाइजिंग टीसीए सब्सट्रेट आना चाहिए. समझ में आया गलती क्या हुई है? गलती समझ में आ गई है? चलो कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, इट्स ओके. दिशा जैन, तो मैं तो तुम लोगों को प्रेशराइज करूंगी ना, तुम लोगों को प्रेशराइज नहीं होना है ना, मैं तो कहूंगी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. चौथा सिंथेटिक ऑक्सीजन बताना है. हाँ जी, वंदना लित इंपोरियम सही, रघुराम राइट, एहतशाम राइट, सचिन राइट, अंकित रॉन्ग, निलंजन राइट, श्री वी राइट, प्रियांश राइट, कार्तिक का गलत हो गया. देखो भाई लोग, ऑक्सिन्स कुछ तो नेचुरली जो बनते हैं, कुछ जो सिंथेटिक बनते हैं. जो नेचुरल हैं उनके नाम भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, ठीक है. इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, तो ये इंडोल इंडोल वाले प्यारे प्यारे से, इंडोल को कैसे भी याद कर लो यार, ठीक है, वो नेचुरल है. अगर सिंथेटिक की बात करें तो इनका नाम आएगा ऐसे, नेप्थलीनिक एसिटिक एसिड, ठीक है. देन 2,4-D, ये जो गंदे गंदे नाम है, नेप्थलीन, नेप्थलीन तो और नेचुरल होता नहीं ना, नेप्थलीन की बॉल डालते हो ना तुम अपने कपड़ों में, ऐसे याद रखो. तो ये सिंथेटिक है और ये सिंथेटिक है, ठीक है. आंसर 2 बन गया. चलो जी आगे. जीए मतलब जिब्रालिक एसिड, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट प्लीज. इंजाइम विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, कौन बनवाता है भैया इतने बॉन्ड, जल्दी बोलो. ये सबको कौन सा वो जोड़ता है, इंजाइम जोड़ता है? निलंजन सही, एहतशाम सही, गौरव सही, कार्तिक सही, स्नेहा सही, सुमन सही, मनमीत सही, अनुपमा सही, वंदना लाइट सही, रघुराम सही. सही है सही है सही है. देखो इनमें से सिर्फ एक ही है जो बॉन्ड को जोड़ता है. लाइएज बॉन्ड को तोड़ता है, आइसोमरेज सिर्फ आइसोमर बनाता है, हाइड्रोलेज भी बॉन्ड को तोड़ता है लेकिन पानी लगा के, ये ऐसे तोड़ देता है पानी लगा ला के प्यार से फिर तोड़ता है, ठीक है. तो ये भी बॉन्ड को तोड़ता है, सिर्फ एक ही है जो बॉन्ड को जोड़ता है. इससे क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन से, जो इंजाइम वाला पार्ट है ना एनसीईआरटी का, वो इंपॉर्टेंट है. उसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ इंजाइम्स दी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट है. कौन सी कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी नंबर 2 कैटेगरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय, कौन सा चैप्टर नया आ गया इस बार, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स नया आ गया तुम्हारे पास. चलिए सुपर फास्ट पार्थिनोकार्पी कहाँ से हो सकती है भैया? एहतशाम का सही है, दिया का सही है, रागिनी का गलत है, मंजू का सही है, अस्मारा क्या आंसर बनेगा बेटा, अंकुश का सही है, रंजे का सही है, श्रीदेवी का सही है, प्रेरणा समृद्धि, प्रेरणा का सही है, समृद्धि का गलत है. हाँ भाई ये देखो, पार्थिनोकार्पी किससे होती है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्लांट हार्मोन से पार्थिनोकार्पी होती है, ऑक्सिन से होती है, ये बात याद हो गई, ऑक्सिन से होती है. अब कौन से ऑक्सिन से होती है भैया, सबसे हो जाती है, ये भी ऑक्सिन है, ये भी ऑक्सिन है, ये भी ऑक्सिन है, ऑल ऑफ द अबव. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पार्थिनोकार्पी किससे होती है, फिर कौन सा ऑक्सिन है इनमें से सारे हैं. नेक्स्ट प्लीज. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये मेरे प्लस वाले बच्चों को आता होगा, बहुत लर्न कराया है इप्पा. हाँ जी, 7th का अर्पित भारद्वाज सही है, विवेक राठी गलत है, सचिन साहू गलत है, अंकिता सही है, प्रेरणा गलत हो गया, अर्पित भारद्वाज सही है, रघुराम सही है, दिशा सही है, सुमन सिन्हा सही है. हाँ जी ए है आंसर. देखो आपको कुछ एक्ट्स याद करनी है, जिन बच्चों ने नहीं याद की है अभी मैं बता देती हूँ कौन कौन सी लर्न करनी है. सबसे ऊपर लिखो
वाटर, फिर लिखो एयर। वाटर की प्रोटेक्शन एक्ट कब हुई थी, फिर एयर की प्रोटेक्शन एक्ट कब हुई थी, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब हुई थी, ठीक है जी। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, ठीक है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। वाटर हुई थी 1974 में, सबसे पहले वाटर ही हुई थी। एयर हुई थी 1981 में, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हुई थी 1986 में, लेकिन एयर को अमेंडमेंट हुआ था, एयर में कुछ चीज़ चेंज हुई थी। एयर पोल्यूशन में नॉइस पोल्यूशन भी होता है ऐड, ये 1987 में मॉडिफिकेशन हुई थी, 1987 में, ठीक है, अमेंडमेंट हुई थी इसकी, एयर वाले की अमेंडमेंट हुई थी। देन मॉन्ट्रियल भी 1987 में बना था और ये लेकिन लागू 1989 से हुआ था, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ें लर्न करने के लिए टाइम चाहिए, जिनको लर्न नहीं है चिंता मत करो कि कैसे लर्न होगा, ये टेबल बना लो जिसके पास नहीं है और इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, पर्ची में डाल लो और पॉकेट में डाल लो, ये टेबल बार बार खोल खोल के पढ़ो तो लर्न हो जाएगा। देन एक और चीज़ भी है इसमें इम्पॉर्टेंट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कुछ बातें दी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की हुई है, 1988। देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s का काम है, ये डेट्स तुमको याद होनी चाहिए बेटा जी, ठीक है जी। चलो आगे चल रही हूँ, नोट कर लो इसको, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्लीज। गौरव, मैं जो प्लस के सेशंस होते हैं वो आई मेरे कंट्रोल में नहीं होते बेटा कि मैं वो उठा के यूट्यूब पे डाल दूं, ऐसा मैं कर नहीं सकती, मेरे पास पावर नहीं है ये करने की। पल्लवी तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है बेटा, एट्थ का, हाँ जी हाँ जी, जो भी लोग एट्थ का डी आंसर दे रहे हैं वो सही है। देखो प्लांट्स को ना फ्लावरिंग के लिए कुछ एक पर्टिकुलर लाइट के पीरियड की जरूरत होती है, मान लो किसी को 12 घंटे लाइट चाहिए, 12 आवर्स की लाइट चाहिए तभी वो फ्लावरिंग करेगा। अब ये प्लांट 12 घंटे दोगे तो भी फ्लावरिंग कर लेगा, ठीक है, अगर 12 से थोड़ा ज़्यादा दे दोगे, 13 दे दोगे तो भी कर लेगा, 14 दे दोगे तो भी फ्लावरिंग कर लेगा, लेकिन 12 से कम दोगे तो नहीं करेगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल 12 तो इसको चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर में कर लेगा लेकिन उससे नीचे में फ्लावरिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जहाँ पे एक कोई भी पर्टिकुलर, ये टाइम मायने नहीं रखता ये कौन कितने आवर्स हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही जितनी अगर सन उससे ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो ही वो फ्लावरिंग करेगा। अब शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं बेटा, मान लो कोई 10 घंटे किसी को सनलाइट मिल रही है तो वो फ्लावर कर लेता है, अब अगर 9 घंटे मिल रही है तो भी वो फ्लावर कर लेता है, 8 घंटे मिल लेती है तो भी वो फ्लावर कर लेता है, लेकिन 10 से ज्यादा होगा तो फ्लावर नहीं करेगा। समझ रहे हो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में फर्क क्या है, लॉन्ग डे में जो लिमिट होती है उससे ऊपर ऊपर में फ्लावर करेगा, शॉर्ट डे में जो लिमिट होती है उससे नीचे नीचे में फ्लावर करेगा। सो अपने पास क्या है, फॉर लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड कितना भी हो सकता है, उससे कम वाला में अगर जो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा तो शॉर्ट डे प्लांट होना चाहिए, ठीक है। ये डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट को फर्क नहीं पड़ता सनलाइट से, समझ में आ गया जी। नेक्स्ट प्लीज, व्हाट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम्स। सुरेंदर, अरे अभी मैंने किया नहीं बेटा स्पेशल कोर्स, अभी लॉन्च नहीं किए तुम्हारे प्लस वाले, चलिए नाइन्थ प्लीज। नाइन्थ के लिए क्या करेक्ट है, नचिकेत गलत हो गया, भवानी देवी गलत हो गया, रुकैया का सही है, आदर्श का गलत है, गलत क्यों कर रहे हो ये, इसमें दिक्कत क्या है,
अभयदीप का सही है, वर्षा का सही है, अंकित का सही है, प्रशांत का सही है, तान्या का सही है। ओए देखो इधर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, देखो व्हाट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम्स, दे आर मोस्ट एक्टिव एट 7। ये कोई बकवास है? सब एंजाइम्स का अपना अपना पीएच होता है जिस पे वो एक्ट करते हैं। अब स्टमक में जितने एंजाइम्स हैं वो 1.8 पे एक्ट करते हैं, ऑप्टिमल पीएच उनका 1.8 है। जो इंटेस्टाइन में एक्ट करते हैं उनका 7 पॉइंट कुछ का पीएच रहता है ऑप्टिमल। सो जो सलाइवा में करते हैं 7.8 का इंटेस्टाइन वाला, जो सलाइवरी एंजाइम होते हैं वो 6.8 पे सबसे ज़्यादा बेटर काम करते हैं। सो हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक पीएच है, ये कैसे बोल सकते हो तुम? ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोटीन्स, ये आंसर है, क्योंकि कुछ आरएनए भी होता है इसलिए ऑलमोस्ट ऑल लिखा हुआ है ना। राइबोसाइम अपन ने पढ़ा था, ऑल ऑफ देम आर अमाइनो एसिड्स, नो दे आर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर नॉट अमाइनो एसिड्स, दे आर मोस्टली एक्टिव एट टेम्परेचर ऑफ 0। बकवास, हर एक का टेम्परेचर अलग है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं वो सारे 37 डिग्री पे मोस्ट एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर किसी रेप्टाइल की बॉडी की बात करें तो उसके एंजाइम्स का टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होगा। समझ गए? नेक्स्ट प्लीज। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, जल्दी से आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वैष्णवी नहीं भाई मैं क्यों ब्लॉक करूंगी तुमको, एक बार बताओ। ऐसा नहीं है वैष्णवी, तुम्हारा आंसर लेट आ रहा होगा बेटा, नेट स्लो होगा तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही। बायोगैस किसका मिक्सचर है बेटा? माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है ना, प्लस टू वाला, उसका क्वेश्चन है ये। बायोगैस प्लांट अपने पढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे सही हैं, ऑलमोस्ट सी वाले सारे सही हैं। वैसे तो इसको गोबर गैस कहा जाता है, लेकिन और भी इसमें और चीज़ें होती हैं, CO2 भी होती है, H2 भी होती है बेटा, ये लर्न कर लो कॉम्पोजिशन यदि तुमको नहीं पता है तो। आगे चलो प्लीज़। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं यही कह रही थी ना, एंजाइम्स की कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं एनसीईआरटी में, कितनी कैटेगरीज में एंजाइम्स को बांटा गया है और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, जल्दी से बोलिए। 11 लिख के आंसर दो ताकि मुझे पता चल जाए 11th का आंसर दे रहे हो तुम। दो 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 बेटा, जल्दी दो। नहीं कृष्टि तुम ब्लॉक नहीं हो बेटा। हाँ जी SK हासिब अली बिल्कुल सही कह रहे हो, साक्षी सही कह रही है, विजय गलत कह रहा है, आदर्श गलत कह रहा है बेटा, एहतशाम सही है। हाँ जी हाँ जी, सी वाले सभी सही हैं। 6 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स पढ़ते हैं अपा, इसको लर्न कैसे करते हैं, NCERT में दिया हुआ है ये। OTHL IL, मैंने ये निमोनिक बना रखा है, OTHL IL। तो मैं OTHL होटल से याद करती हूँ, समहाउ मुझे हो जाता है, तुम कैसे भी याद कर सकते हो। OTHL IL, होटल में बीमार, OTHL IL से याद करती हूँ मैं, ठीक है। ऑक्सीडक्टेज, ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमेरेज और लाइगेज, ये नाम करने हैं। और इनका नंबर मत चेंज कर देना, 1 हमेशा ये है, 2 हमेशा ये है, ये नहीं कि आगे पीछे कर दो। तो आपको 6 के 6 कैटेगरी के नाम पता होने चाहिए। चलो बेटा आगे। हिस्टोन इज अ प्रोटीन मेनली विच मेनली कंटेन्स, हिस्टोन में ज्यादातर क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स खत्म हो गया है दनियाल, उसमें प्लस में 12th प्लीज। 12th का सही है अर्पित भारद्वाज का, एहतशाम का, स्नेहा का, श्रीवी का, हर्षिता का, दिशा का, सिड चौहान का, प्रियाश, त्रिपति, तान्या। मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं सबके नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा कम बोल के ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगी चीज़ें। यार NCERT की लाइन है, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और बेसिक अमाइनो एसिड से हिस्टोन पूरा बेसिक प्रोटीन बन जाता है, और हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर एसिडिक DNA ने लिपटना है, तो ऑपोजिट होने चाहिए नहीं, तो इसलिए NCERT का आंसर है ये। नेक्स्ट प्लीज। हाई अमाउंट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ, ज़्यादा ई कोलाई घुस गया है तुम्हारे वाटर में तो क्या इंडिकेशन है ये? बोलिए किस चीज़ का इंडिकेशन है अगर आपको पानी में बहुत सारा ई कोलाई मिल रहा है तो? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, हर्षिता, एहतशाम, दिशा, अंकित,
अर्पित, मुकेश, विवेक, सुबर्ण का दास गलत हो गया, विजय का गलत हो गया, कोमल का गलत हो गया। क्या बात है बेटा, क्या बात है। ईकोलाई कहाँ होता है भैया? ईकोलाई हमारे गट में होता है, ठीक है, कुछ कुछ मात्रा में, और ईकोलाई सीवेज में मिलता है बहुत ज़्यादा। सो अगर आपके पीने के पानी में ईकोलाई बहुत ज़्यादा है, मतलब सीवेज की कंटेमिनेशन है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? कुछ मिनरल्स होते हैं वाटर में ज़्यादा, ईकोलाई से क्या लेना देना है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में ईकोलाई कहाँ से आएगा? प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन में ईकोलाई कहाँ से आएगा बेटा? नेक्स्ट प्लीज। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेम्परेरी ट्रांजिस्टरी ओपनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए अंदर घुसाने के लिए जो पोर्स करते हैं वो किस में करते हैं? जल्दी से उत्तर देंगे। 14th प्लीज। हाँ जी, मनमीत सिंह ढिल 14th पे आ गए हैं। भवानी गलत हो गया बेटा, अर्पित का सही है, मनमीत का गलत हो गया। गलत कैसे कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी अभी पढ़ाई नहीं है मैंने यूट्यूब पे, इसलिए गलत कर रहे हो। इतना गलत काय को कर रहे हो? अरे ईशा गलत हो गया बेटा, सुमन का सही है। भैया ये 2 है, ये 3 है, लेकिन दोनों में से आंसर कोई भी नहीं है। आंसर 1 है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेम्परेरी ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए। ये तुम्हारा सेल है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, ठीक है, इलेक्ट्रो वो कर दो, इसका इलेक्ट्रोपोरेशन कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक में ये एकदम से छेद बना लेगा अपनी, इसकी मेम्ब्रेन में छेद बन जाएंगे और जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो इस छेद के अंदर से अंदर घुस जाएगा। ये इलेक्ट्रोपोरेशन है, ठीक है। पार्टिकल गन क्या है यार? पार्टिकल तो गन जो जीन गन होता है बेसिकली, वो जोर से डीएनए फेंकते हैं अंदर, तेजी से जाते हैं अंदर, जैसे गन मारते हैं वैसे, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? पिपेट के थ्रू घुसाते हैं डीएनए को। नेक्स्ट प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, ये क्या हो गया, सिंडेक्टिक नॉट, ये क्या है, ये क्या, ये कुछ गलत हो गया ये। मैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कयाजमाटा, क्वेश्चन ये था, पता नहीं क्या बन गया क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कयाजमाटा, कयाजमाटा कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको? ये क्वेश्चन था। पृथ्वीराज चौहान आ गए तुम, कयाजमाटा कहाँ पे देखने के लिए मिलता है तुमको, बताओ तुम। हाँ जी, स्टडी सिंह सही है, आदर्श सही है, कोमल सही है, त्रिपति का गलत हो गया, दिशा का गलत हो गया, अन्ना, अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, त्रिपति का सही है, दिशा जैन का सही है, अन्ना लक्ष्मी गलत है, सही है, पहले वालों का गलत था, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। देखो कयाजमाटा कहाँ देखने के लिए मिलता है? लेप्टोटीन में तो सिर्फ क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, लिपटते हैं, है ना, ऐसे। फिर जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं एक दूसरे से, ऐसे पेयर अप होते हैं। लेप्टोटीन में तो सिर्फ टाइट होते हैं, जाइगोटीन में पेयर होते हैं। पैचेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है इस तरीके से, और डिप्लोटीन में तुम्हें कयाजमाटा अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। सो आंसर इज डिप्लोटीन, कयाजमाटा डिप्लोटीन में देखने के लिए मिलता है आपको बेटर तरीके से, ठीक है। जिनको नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कैसे पता चलता है हमको भैया माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है? जल्दी से आंसर देंगे। पढ़ेंगे, 20 seconds लेंगे और आराम से क्वेश्चन करेंगे। अमिता ब्यारू, बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारा सभी सही हो रहा है तो। चलो आओ चेक करते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन. फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन से हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है? बेटा जी, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन से हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है. देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से तुम्हें अल्टीमेटली क्या मिलता है? ATP मिलता है ना. तो आपको ये पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या नहीं, वहाँ से ATP मिलना चाहिए. अगर ATP मिलता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. तो एक ही रेलिवेंट आंसर बन रहा है ना. डिसरप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड्स मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज ATP. जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स भी हैं वो भी ATP बना पाते हैं. सो, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से ही ATP बनता है ना अल्टीमेटली. ठीक है, ये बकवास है, ये बकवास है. ठीक है जी, सी आंसर होएगा. सी वाले भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका सही हुआ है. अच्छा, ये करो तो आंसर, ये देखते हो कितनों का आता है. 17th आंसर करो तो, 17th लिखो और अपना आंसर दो. चलो जी बेटा, दानियाल मेरे को नहीं पता बेटा प्लांट फिजियोलॉजी कब तक खत्म होगा यूट्यूब पे. आई डोंट नो. अरे वाह, इतने बच्चों का सही आंसर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है चैप्टर. प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, जिबरलिंस. किसी की भी लेंथ बढ़ानी है ना यार, किसी भी चीज़ की लेंथ बढ़ानी है उसके ऊपर जिबरलिंस डाल दो. ठीक है, चाहे वो नोड्स की लेंथ इंटर नोड्स की लेंथ बढ़ानी हो, चाहे वो ग्रेप्स की लेंथ बढ़ानी हो, चाहे वो एप्पल की लेंथ बढ़ानी हो, किसी भी चीज़ की लेंथ बढ़ानी हो उसके ऊपर जिबरलिन डाल दो. वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, सही तैयारी करके आयो तुम. द सेल न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, इजी क्वेश्चन, जल्दी से. सेल न्यूक्लियस किसने किया था डिस्कवर, जल्दी. 18th के आगे आंसर लिख के भेजो, 18th लिखो फिर आगे आंसर लिख के भेजो. देखती हूँ सबसे पहले किसका आएगा. रघुराम सही है, वर्क वर्शिप सही है, एहतशाम सही है, सुमन सिन्हा सही है, रुकिया बीवी सही है, विवेक राठी सही है, हर्षिता सही है, अर्पित भारद्वाज, दिशा जैन सभी सही हैं. अरे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, हाँ जी रॉबर्ट हुक ने पहले डेड सेल ढूंढा था, कॉर्क सेल ढूंढा था सबसे पहले, सेलिसी ने ढूंढा था, फिर लुविन हॉक ने लिविंग सेल ढूंढ दिया था, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढ दिया था, फिर वर्षो ने स्टेटमेंट दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, सेल वाले चैप्टर का है. नेक्स्ट, बेस्ट टेज टू व्यू साइज एंड काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, किसमें दिखते हैं सबसे अच्छे क्रोमोसोम. इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी, सबसे अच्छे क्रोमोसोम्स किसमें दिखते हैं साफ सुथरे, जल्दी जल्दी जल्दी. 19th लिखो और आंसर लिखो सामने. हाँ जी, हर्षिता बिल्कुल सही है, रघुराम सही है, रागिनी का गलत हो गया, सुमन सिन्हा सही है, सुमन सिन्हा के बहुत सही हो रहे हैं आजकल, सुमन सिन्हा अच्छा कर रही है, चैतली का सही है, विवेक राठी का सही है, एन विथा का सही है, वर्क इज वर्शिप्स राइट, ऑलमोस्ट सभी का राइट है, ऑलमोस्ट सभी का राइट है. मेटाफेज, मेटाफेज में प्रॉपरली कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम तो सबसे अच्छी तरीके से नजर आते हैं, नहीं पता तो लर्न कर लो. नेक्स्ट प्लीज, इन राइबोसोम्स 2 सब यूनिट्स आर, बताओ तो राइबोसोम्स के लिए क्या सच है, क्या सच्चाई है. 20th लिखो और आंसर लिखो जल्दी जल्दी जल्दी. 20 का आंसर चाहिए, 20 का, 19 हो गया बच्चों, तुम थोड़ा लेट हो. विवेक, विवेक का गलत हो गया है 20, वर्क इज वर्शिप का सही है, विवेक का गलत हो गया, प्राची का सही है, हर्षिता का सही है, आकर्ष का सही है, सलोनी का गलत हो गया, रागिनी का सही है, अभी एनविथु का गलत है. हाँ जी, डी वाले बच्चे सही है भैया. देखो वैसे तो ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के, जो राइबोसोम ना बर्गर की तरह होता है, तो बर्गर के 2 पीसेस ऐसे ही पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब mRNA पे चिपकना होता है तब ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं ऐसे. ठीक है, फिर यहाँ से प्रोटीन बना देते हैं, फिर जब प्रोटीन बन जाता है फिर दोबारा से अलग हो जाते हैं. सो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है. चलो, आधे से ज़्यादा क्विज खत्म हो चुका है, आज सिर्फ 35 क्वेश्चन है तुम्हारे क्विज में, यू जस्ट हैव 35 क्वेश्चन इन योर क्विज. अर्पित भारद्वाज क्यों भैया, कैसे कैसे क्या चक्कर है ये. अर्पित भारद्वाज मुझे ब्लैकमेल करता होता है फोन पे मैसेज करके,
क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास टाइम नहीं होता आंसर करने का, फिर मुझे मैसेज करता है मैम बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दूंगा आज के बाद अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, फिर मुझे रिप्लाई करना ही पड़ता है। मैं सोचती हूँ यार ये तो गलत हो जाएगा। 240 आंसर मार्क कर दूँ? हाँ जी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेपथॉक्सी नहीं है, बेंजोक्सी नहीं है, डाइक्लोर नेपथलीन फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। भाई लोग ये पता होना चाहिए, एनसीईआरटी है ये। चलो आगे, पॉलीजोम के ही शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, जल्दी बोलो। कितना खुश हो रहा है ना अर्पित भारद्वाज, कितना ज़्यादा खुश है आज। ये 2,4-डी उससे है अंकन, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला है ना, तो ऑक्सिन का एक और नाम है, सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4-डी, उसमें दिया हुआ उसका। ठीक है, इरशाद खान सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लो बेटा, समय कम रह गया, तैयारी बहुत करनी है। वीडियो के शुरू में जाओ, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना अगर तुम अभी पेपर देना चाहते हो तो। पॉलीजोम क्या होता है भाई लोग, जल्दी बोलो तो। 22 का, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का सही ऑलमोस्ट। पॉलीजोम होता है यार, एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स चिपटे होते हैं ऐसे, तो इसको पॉलीजोम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलीजोम प्रोकैरियोट्स में होता है कि यूकैरियोट्स में होता है, इसका भी आंसर करो तो। पॉलीजोम कहाँ मिलता है तुमको, प्रोकैरियोट्स में मिलता है कि यूकैरियोट्स में मिलता है, मेरे प्यारे बच्चों जवाब दो, जनता जवाब मांग रही है जल्दी, प्रो में कि यू में, बस प्रो या यू लिख दो। मेरी बात कितनी लेट पहुंचती है। अंकित सिंह सही कह रहा है, प्रियंका सही कह रही है, सुरेंदर क्या हो गया, प्रलयपति, अच्छा बता रही हूँ रुक जाओ, प्रोकैरियोट्स में होता है भाई, पॉलीजोम सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है, यूकैरियोट में नहीं मिलता है। जो भी बच्चे जानना चाह रहे हैं ना कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो बेटा जी इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, वीडियो के एंड में भी बता दूंगी, लेकिन अभी क्वेश्चन करो। रॉन्ग मैचिंग ढूंढनी है भाई, राइट मत ढूंढ देना, ऐसे मार्क किया करो रॉन्ग को, आंसर दो। 23, देखते ही पता चल रहा है बेटा इसका आंसर तो। भाई लोग कितना लेट तुम्हारे पास मेरी बात पहुंचती है, अभी तक प्रो के आंसर आ रहे हैं। 23 सही है, वर्क इज वर्शिप सही है, रघुराम सही है 23, सजल सही है, विजया सही है, श्री वी सही है, श्रीदेवी भी सही है, खुशी गलत हो गई, सुमन सिन्हा गलत हो गई बेटू, अरे रे रे रे, फंस गए मेरे प्यारे बच्चे, फंस गए इस क्वेश्चन में। सुनो अभी, अरे रे सुनो, स्टैटिन मिलता है, तुम्हें लग रहा होगा मोनास्कस परप्यूरियस से मिलता है, तो मोनास्कस परप्यूरियस तो यीस्ट है नहीं बेटा, यीस्ट किसी भी फंगस को यीस्ट कह देते हैं जो कि यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर फंगस को यीस्ट कहते हैं। सो यीस्ट सिर्फ सैक्रोमाइसिस सेरेविस ही नहीं है, मोनास्कस परप्यूरियस भी है, ठीक है। सो मोनास्कस परप्यूरिया जो स्टैटिन देता है वो यीस्ट है, ये गलत पेयरिंग नहीं है, ठीक है, ये गलत पेयरिंग है। ब्यूटायरिक एसिड बनाता है भाई ये, लैक्टिक एसिड तो लैक्टोबैसिलस बनाएगा ना, ये गलत है, तो अपना आंसर ही है, ये सही है, ये भी सही है। समझ में आ गया गलती कहाँ पे हुई है? अरे झुमा दास तुम्हारा नाम नहीं देखा बेटा मैंने। चलो, जिब्रलिन सबसे पहले कहाँ से मिला था, जल्दी से आंसर चाहिए। एक बात बताओ, कैसे से बच्चे हो तुम लोग, तुम्हें लगता है यहाँ पे सास बहू का प्रोग्राम चल रहा है और मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं तुम्हारा शोषण कर रही हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ? बच्चों नीचे को नाम होता है, तुम्हारा नहीं मिलता मेरे को। मैम आप देख के इग्नोर करती हो, क्यों भैया, मेरे को पुराने जन्म की दुश्मनी है, तुम मेरे पैसे लेके भागे थे पहले। जिब्रलिन कहाँ से मिलता है भाई लोग, जल्दी बोलो तो। देखो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिब्रलिन कैसे डिस्कवर हुआ था। एक ना एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एक कुछ फार्मर्स ने देखा कि उनके जो राइस के प्लांट्स हैं ना, वो जब उगते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे, और वो इतने लंबे हो जाते हैं, इमेच्योर इतने लंबे हो जाते हैं, ताकत तो होती नहीं, फिर इतने लंबे होकर ऐसे गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो फूलिश सीडलिंग्स हैं, बेवकूफ हैं, तो इतने लंबे होकर गिर गए, तो उसको हम बोलते हैं बकाने डिजीज़ या फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस डिजीज़। फिर बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि उसके ऊपर एक फंगस उग रहा है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है, वो फंगस जिब्रालिन बना रहा है,
और जिब्रेलिन इलोंगेशन ऑफ शूट कर रहा है इसलिए वो ऐसे गिर रहे हैं प्लांट्स. तो जिस भी चीज़ की इलोंगेशन करनी हो ना वो जिब्रेलिक एसिड का है. हालांकि इथाइलिन भी करता है इलोंगेशन लेकिन सिर्फ पानी के नीचे राइस की शूट की, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज. ईजी क्वेश्चन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. क्या चाहिए भैया? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. हिंदुस्तानी भाव, क्या हाल चाल है? सुरिंदर, पहले तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी. जल्दी बोलो. ईशा बेटा गलत क्यों हो रहा है? एहतशाम, अनिमेश सही है, दिशा सही है, काफी बच्चे सही हैं भाई. नाम नहीं ले पा रही, गला दर्द हो रहा है यार. आपको बायोरिएक्टर चाहिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए. बायोरिएक्टर क्या होता है? एक बिल्डिंग के जितना लंबा ऐसे एक सिलेंडर जिसके अंदर बैक्टीरिया का खाना भरा हुआ है जिसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं. उसमें हम बैक्टीरिया छोड़ देते हैं. कल मैंने तुम्हें पढ़ा था ना सिलेक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया की, है ना? सो सिलेक्टेबल मार्कर से अपने रिक्वायर्ड बैक्टीरिया की सिलेक्शन करके हम इसमें छोड़ देते हैं. बैक्टीरिया इसमें उग जाता है और इसमें से बहुत सारा प्रोटीन निकाल लेते हैं. सो आंसर ये है. नेक्स्ट प्लीज. ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इज प्रोमोटेड बाय. प्लांट ग्रोथ हार्मोन छाया हुआ है आज तो. लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ कौन प्रमोट करता है भाई, बताओ तो. वाजिद खान, 26th. गरिमा कैसे गलत हुआ बेटा? भूमिका कैसे गलत हुआ? हर्षिता सही है, एकम सही है, दिशा जैन सही है, प्राची त्रिपाठी सही है. अरे वाह, बहुत सारे बच्चे सही हैं. आंसर है रिमूवल ऑफ एपिकल बड. एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस ये होता है कि जो एपिकल बड है ना ये साइड साइड में, एपिकल बड से ऑक्सिन निकलता है. ये ऑक्सिन नीचे जाके लेटरल ब्रांचेस को ग्रो नहीं करने देता तो ये प्लांट सीधा सीधा ग्रो करता रहता है. उसके पत्ते बहुत कम आते हैं. तो एपिकल डोमिनेंस खत्म कैसे हो सकती है? ऊपर से बड काट दो. जैसे ही ये बड कटेगी इसकी लेटरल ब्रांचेस ऐसे फलेंगी, खुशी मनाएंगी, दिवाली आ जाएगी, इनके घर में नाचेंगी, ये ढोली तारो ढोल बाजे हो जाएगा इनका. ठीक है, सो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाती है जैसे ही तुम ये एपिकल बड को काटते हो. एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाती है. इसका यूज़ कहाँ पे होता है भैया? तुम्हें मान लो चाय पत्ती उगानी है. अब चाय पत्ती तो पत्ती है तो चाय का पेड़ ऐसे जाके क्या करेगा? तो तुम उसकी एपिकल बड काट देते हो, फिर चाय पत्ती का पेड़ ऐसे फैल जाता है चाय के बागान में, फिर ज़्यादा पत्तियाँ उगती हैं. फिर एक और एग्जांपल क्या है? घरों के बाहर जो तुम बाड़ बनाते हो ना, जो यू नो लाइनिंग बनाते हो ग्रीन ग्रीन पत्तों की, तो उसके ऊपर से माली ऐसे छक छक करके काट नहीं रहता तो वो एपिकल बड्स काट देता है, तब वो और ऐसे फैलती हैं तो वो बुश जो है वो ठीक हो जाती है. ठीक है, एपिकल और ऑक्सिलरी नहीं देखा? अरे यहाँ फंस गए तुम लोग हैं. चलो खत्म होने वाला क्विज. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वर यूज्ड बाय कोहेन एंड बोयर्स डीएनए एक्सपेरिमेंट फॉर. लाओ देखे तुमने कितना पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी. दनियाल नहीं, प्लस पे अभी मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, करना है अभी. आई हैव टू डू इट. 27. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम था भैया कोहेन एंड बोयर के एक्सपेरिमेंट में, जो बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट? कौन वन लिख रहा है? जो वन लिख रहा है उसको थप्पड़ खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो डी लिख रहा है उसको भी थप्पड़ खाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही. आओ कभी दिल्ली आओ, तुम्हारी पिटाई करती हूँ मैं. ध्यान से नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर यूज बाय कोहेन एंड बोयर्स डीएनए एक्सपेरिमेंट फॉर. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों चाहिए रे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक तो वेक्टर को काटने के लिए चाहिए होता है, एक आपका जीन आइसोलेट करने के लिए चाहिए होता है ना, जीन काटने के लिए चाहिए होता है. सो आइसोलेशन ऑफ क्लोन्ड बैक्टीरियल प्लाज्मिड. प्लाज्मिड के आइसोलेशन के लिए थोड़े भी चाहिए. एक प्लाज्मिड है उसको आइसोलेट कैसे करोगे तुम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भैया? सिर्फ प्लाज्मिड को काट सकते हो ना तुम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. ये कैसे किया तुमने आंसर? आइसोलेशन ऑफ क्लोन्ड बैक्टीरियल प्लाज्मिड बिल्कुल बकवास है. क्लीविंग द बैक्टीरियल प्लाज्मिड ये सही है. बैक्टीरियल प्लाज्मिड को काटोगे ना तुम उससे. आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बकवास है. ह्यूमन इंसुलिन का कैसे आइसोलेशन कर दोगे तुम? ह्यूमन इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करोगे. सो आंसर टू है. बहुत ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, तुम लोगों ने कितने गंदे आंसर्स दिए बेटा.
अब ठीक दिया है सर जाके मेरे समझाने के बाद। राहुल तभी तो यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तुमको बायोटेक्नोलॉजी। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या प्रोड्यूस होता है बताओ तो, जल्दी बता दो। यूसुफ शेख, प्लांट फिजियोलॉजी प्लस पे अभी सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, मैं फोटोसिंथेसिस भी अभी कराऊंगी दोबारा से प्लस पे, रेस्पिरेशन भी अभी दोबारा से कराऊंगी, मिनरल न्यूट्रिशन भी कराऊंगी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कराऊंगी, तो पूरा फिजियोलॉजी मैं जनवरी में कराऊंगी तुमको, तो तुम प्लस ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम अभी जनवरी में पढ़ना चाहते हो तो। हाँ जी, एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है मेरे प्यारे बच्चों बोलो? एड्रीनल लिन नहीं रिलीज होता, देखो ये एड्रीनल है, ये मेड्यूला से रिलीज होता है, एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन उसी को ही कहते हैं, ये मेड्यूला से रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से होता है, एल्टोस्टिरोन इसके कॉर्टेक्स से होता है, ये है ना कॉर्टेक्स बाहर वाला, सो आंसर एल्टोस्टिरोन बन गया, इजी क्वेश्चन था ये तो, अपन ने पढ़ा हुआ है ना। हाँ वेरी गुड, ज़्यादातर बच्चों का सही है ये आउट ऑफ सिलेबस है पर ये नीट में आ चुका है इसलिए क्वेश्चन दिया मैंने, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आई थिंक ये नीट 2016 में आया था तो आपको आना चाहिए। चलो 29th का आंसर देंगे। सुरेंद्र तुम्हारे आंसर्स नीचे होंगे बेटा, मुझे दिख नहीं रहे हैं। 29th प्लीज, 29th। सोनालिका सही है, विवेक सही है, एहतशाम सही है, अर्पित सही है, रघुराम सही है, भूमिका सही है, सारंग गलत है। अरे रे, चैतली का आंसर क्या था भैया? चैतली का आंसर मिस हो गया, फिर चैतली कहेगी मैम मेरे मैसेज नहीं मिल रहे आपको। 28th का था, 29th का मैसेज नहीं था। अवीना कर्वेचर टेस्ट होता है भाई लोग, ये लर्न कर लो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि बस ये ऐसा कैसे लर्न कर लो, अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ऑक्सिन को बायो एसे करने के लिए अवीना कर्वेचर टेस्ट होता है, याद कर लो, रट्टा मारो रट्टा। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज, बताओ तो तुमने क्या पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, कौन सी चीज हमने सीखी है? 30th लिख के आंसर करो। नहीं जी सही है, सारंग सही है, 30th। एहतशाम सही है, सुष्मिता सही है, रघुराम, सारंग, सुबर्नो, अजीत का गलत हो गया, सुष्मिता का सही है, स्नेहा का सही है, दिशा का सही है, आयुष, मिस्टर अंसारी, काफ़ी बच्चों का सही है। देखो भाई लोग, तुमने ये पढ़ा ना बीटी कॉटन बनाना, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना, तुमने ये कब पढ़ा नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा दूंगा, तुमने ये कब पढ़ा सीड डिक्रीज कर दूंगा, इंक्रीज द प्लांट्स कर दूंगा, सबसे ज़्यादा तुमने यही मोस्ट कॉमन पढ़ा ना, तो आंसर अपना वन आ जाएगा, बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल है ये। चलो लास्ट के पांच क्वेश्चन। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है नीट में, दो तीन बार इसकी एंट्री हो चुकी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 31st, अरे आयुष गलत है, अच्छा 30th का, अच्छा 30th का दे रहा था, 31st का बताओ। प्रतिभा राइट, अनिमेश राइट, सारंग राइट, वर्क इज वर्शिप राइट, गिरीश राइट, चैतली राइट, अंकित राइट, एहतशाम राइट, रघु राइट, अर्पित राइट, सुमन राइट, सुबर्ण राइट, बहुत ज़्यादा सारे बच्चे राइट हैं भाई लोग, ये इंपॉर्टेंट है, तुम सारे भी राइट हो तो भी ध्यान से सुनो। एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, स्किड, इसकी डेफिशिएंसी स्किड होता है, इस बच्ची को स्किड थी। फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी कौन से ईयर में दी गई थी? 1990 में दी गई थी। किसको दी गई थी? 4 साल की छोटी बच्ची को दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? स्किड के लिए दी गई थी, ये आपको फैक्ट्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज कनेक्शन विद एड्स, एड्स से रिलेटेड कौन सा ग्लैंड बताना मेरे को जरा मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दो। राहुल 11th के बाद नीट दे सकते हो, अरविंद नूनिया जरूर दो लेकिन कोई फायदा नहीं होगा ना, एलिजिबल नहीं हो ना तुम सीट के लिए, वैसे प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका सही है, 32 का आंसर ए है भैया। यार देखो, एड्स में एचआईवी वायरस किसके ऊपर अटैक करता है?
HIV वायरस टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है, हेल्पर टी के साथ करता है, ऊपर करता है, हेल्पर टी के ऊपर अटैक करता है ना, तो हेल्पर टी आपको कहाँ पे बनेंगे, थाइमस के ऊपर बनेंगे। आंसर ए है। चलो जी आगे, लास्ट के तीन क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स आर रेड, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो तो इसको एक बार, आंसर दो तो आराम से सोच के दो, 20 seconds लो आराम से। बताओ बताओ जवाब दो। वैशाली सही है बेटा, वंदना का गलत हो गया, 33 का, अच्छा 33 का, 34 कहाँ हम पहुँचे नहीं, 34। विजय सही है, प्रतिभा सही है, सोलोनी सही है, श्रीवी सही है, प्राची सही है, अभी गलत हो गया सेवरल टाइम्स, वाह मेरे बच्चों। हाँ जी जो ए वाले बच्चे हैं वो सही हैं। यार देखो ना, ये लिवर है, ये कह रहा है हिपैटिक आर्टरी, ये इसकी हिपैटिक आर्टरी है, इसमें यहाँ पे एक RBC है, इसकी देखते हैं क्या जर्नी है, यहाँ से लिवर में घुसा, फिर हिपैटिक वेन से वापस आ गया, हिपैटिक वेन से कहाँ जुड़ा, वीना कावा में, वीना कावा से कहाँ आ गया, हार्ट में, ठीक है, हार्ट से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से लंग्स चला गया, तो एक बार निकल गया हमारा RBC, एक बार यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पर आ चुका है, फिर लंग्स से वापस आया हमारा RBC, दोबारा घुसा, फिर यहाँ से एओटा से बाहर, तो एक बार इधर घुस गया, एक बार इधर घुस गया। यार ये बेसिकली सोचने का क्वेश्चन था नहीं, ब्लड आपके हार्ट में से दो बार निकलता है ना, डबल सर्कुलेशन है ना हमारी, तो कोई RBC भी तो दो ही बार निकलेगा ना, इजी क्वेश्चन था, ऐसे देखने में कंफ्यूज करने वाला था, ये वैसे कंफ्यूज करने वाला है नहीं। यूसुफ शेख, देखो ऑलरेडी इकोलॉजी चल रही है, मे बी इकोलॉजी ख़त्म करते ही प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करा दूंगी मैं, या साथ में पैरेलल भी करा सकती हूँ। आधी इकोलॉजी हो गई, आधी रह गई है प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब 3-4 दिन के अंदर शुरू करने की सोच रही हूँ मैं। 34th, ओहो, हाँ जी बी कौन दे रहा है इसका आंसर। In an accident, there is great loss of blood. बहुत बंदे का खून निकल गया accident में. There is no time to analyze the blood group. तुम्हारे पास इतना भी time नहीं है कि उसका blood group analyze कर लो, नहीं तो मर जाएगा वो. तो क्या कौन सा blood दें जो उसको randomly भी दे सकते हैं? Universal donor देंगे. Universal donor कौन सा होता है बेटा जी? O negative is the universal donor. Universal acceptor कौन होता है? AB positive. ये पॉजिटिव लोग बहुत ऐसे खून चूसू टाइप होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, हाँ तेरे से भी खून ले लूँगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, तेरे से भी ले लूँगा, तेरे से भी ले लूँगा, बड़े पॉजिटिव हैं सबसे लेने के लिए, ठीक है। सो आंसर ए लाओ, लास्ट क्वेश्चन। ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैज़, बताओ तो मुझे, थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास होता है, बिल्कुल हार्ट से हल्का सा ऊपर, क्या बात कर दी सारंग, 35 का आंसर गलत दे दिया है, रघुराम का सही है यूनिवर्सल बैगर, सलोनी का सही है, एहतशाम का सही है, गौरव चौधरी जिंदाबाद, गौरव चौधरी कह रहा मैम मेरा नाम ले लो। जब मेनोपॉज होता है तो एंडोमेट्रियम होता है या नहीं होता है? अहमद अली तुम्हारा प्लीज़ कमेंट में लिख दो एक बार ये क्वेश्चन, मैं आंसर कर देती हूँ, ठीक है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट में लिख दो एक बार, मैं पढ़ के आंसर देती हूँ उसका, ठीक है। लाओ देखते हैं भैया, हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, यार कितनी बार क्वेश्चन अपन ये बात करते हैं, प्लांट सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है, उससे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है आगे, 90% हीट के रूप में लूज जाती है, तो मतलब मान लो यहाँ पे कीड़ा है, कीड़ा ठीक है, बहुत ही हैप्पी कीड़ा है, इसको खुश नहीं होना चाहिए वैसे, इट इज़ ओनली गेटिंग 10% ऑफ द एनर्जी, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड से थर्ड में सिर्फ उसका 10% जाता है, मतलब स्पैरो के पास सिर्फ उसका 10% जाता है, तो हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, सक्सेसिव मतलब आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम होती है यार, लेस टोटल एनर्जी होती है, एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैज लेस टोटल एनर्जी। आज तो बढ़िया थे क्वेश्चन, कितने सही हुए तुम्हारे, कितने सही हुए हैं तुम्हारे, बोलो तो।
अब ये मैं कहना मैम 35 में से 35 सही हुए हैं, आज किसी के नहीं होंगे, आज बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाले क्वेश्चन थे। सही सही बताओ। स्कोर बताओ जल्दी से। ईशु 28, आर्यन 35। ये देखो ये आर्यन रंगा जैसे बच्चे दूसरे बच्चों को डिस्करेज करते हैं 35 लिख के। सही बताओ कितने हुए हैं, मजाक नहीं। वाजिद 33, क्रिस्टी 30। के सही में 35 सही हो गए तुम्हारे। ज्योतिका 27, गौरव चौधरी 32, श्रीदेवी 34। भाई लोग 25 से ऊपर कहीं भी आ रहे हैं तो अभी तुम बहुत स्कोर कर, मतलब इम्प्रूवमेंट के अभी बहुत स्कोर हैं, स्कोप हैं तुम्हारे पास। 20 भी आ रहे हैं तो भी इम्प्रूवमेंट के बहुत स्कोप हैं, पर इस टाइम तक 20 मार्क्स आने चाहिए, 20 तुम्हारे सही होने चाहिए यार 35 में से। अब हाथ पैर मार के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके एक दिन में दो दो चैप्टर निपटा के तुम इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। 32-33 तक भी पहुँच सकते हो अगर तुम 20 पे हो तो। लेकिन अगर अभी तुम 10 पे हो तो फिर तो बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी मेहनत करनी है अभी, ठीक है जी। चलो अगर तुम ये स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो भैया जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स लगे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लो, और प्लीज़ मेरे लेक्चर्स हमेशा फास्ट करके गो थ्रू किया करो, कभी भी स्लो मत किया करो, क्योंकि 1.5x पे भी मस्त चलते हैं मेरे लेक्चर्स, ठीक है। तो यूट्यूब पे लगा लो लेक्चर्स जिसने नहीं लगाए हैं। अगर कोई प्लस ज्वाइन कर पा रहा है तो ज़रूर करो, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, और मतलब इतना तुम्हें फ़ायदा होगा ना, इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म मैं समझती हूँ, पर उसका पेमेंट कुछ भी नहीं है जो वो ऑफर करता है, ठीक है। तुम लोगों को पता ही है ऑफलाइन सेंटर्स में क्या फीस होती है इसी कोचिंग की, ओके। सो जो भी तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तुम्हें उसका 10 times रिटर्न मिलेगा, तुम्हें लगेगा जितने मैंने पैसे लगाए ना मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें मिली हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, फ़ायदा तुम्हें बहुत ज़्यादा होगा प्लस लेने का, ठीक है। और जब भी प्लस लेने जाओ कोड डाल देना ऋतु लाइव, ताकि तुम मेरे बैच से कनेक्टेड हो जाओ, RITULIVE, और तुमको 10% ऑफ मिलेगा, नहीं तो फालतू में तुमको पूरी फीस पड़ जाएगी, ठीक है जी। चलो ओके, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और या फिर टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे तो तुम्हें पक्का ही मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो। जयंत प्रकाश जिंदाबाद। चलो ओके बाय, थैंक यू, बाय।